सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कैसे हमारे छोटे छोटे अर्थ मूवर्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट को, बड़े बड़े कामों को आसानी से कम्प्लीट कर सकते हैं। तो यह सब पॉसिबल हुआ दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी को फ्लूइड एनर्जी में कन्वर्ट करके, और यह करने के लिए हम हाइड्रोलिक मशीन्स का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे हाइड्रोलिक मशीन के सर्किट काम करते हैं, कैसे हम हाइड्रोलिक सर्किट को डिजाइन करते हैं। यूं तो दोस्तों आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिनमें हाइड्रोलिक सर्किट के बारे में बताया गया है, मगर दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिकल के साथ और लॉजिकली हाइड्रोलिक सर्किट को बनाना सीखेंगे, और हाइड्रोलिक सर्किट से रिलेटेड हमारी जितनी भी क्वेरी है हम उन्हें सोल्व करेंगे। बहुत तेज हो रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं रवि नेहरा और आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक सीरीज का 10th एपिसोड। दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले हमें हमारा गोल पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब हमें इस ट्रैक्टर को मूव करवाना है। इस ट्रैक्टर को मूव करवाने के लिए हमें एक एक्चुएटर की सहायता की ज़रूरत है। एक्चुएटर की जगह पर हम एक हाइड्रोलिक सिलेंडर को लेते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लगाते हैं, उसके बाद दोस्तों दो लाइंस लगाते हैं। यह हमारी पिस्टन और रोड को दिखाएगी। अब दोस्तों हम पोर्ट्स को दिखाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ तो यह हमारी सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को दिखाती है। अगर मैं यहाँ पर दोनों एंड पर लाइंस लगा देता हूँ तो यह हमारी डबल एक्टिंग सिलेंडर को दिखाती है। अब हम इन दोनों पोर्ट्स को ए और बी नाम देते हैं। अब दोस्तों हमें इस ट्रैक्टर को इस सिलेंडर की सहायता से मूव करवाना है। तो इस ट्रैक्टर को मूव करवाने के लिए हमें एक रिजर्वायर की ज़रूरत होगी जो कि हमारे फ्लूइड को कंटेन करेगा। उसके बाद दोस्तों हमें मैकेनिकल एनर्जी को फ्लूइड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक पंप की आवश्यकता की जरूरत है। पंप का सिंबल आप देख सकते हैं कि हमने एक सर्कल लगाया और उसमें एक फील्ड ट्रायंगल लगा दिया है। अगर दोस्तों आपको सिंबल्स की क्लैरिटी नहीं है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा बेसिक सिंबल्स का वीडियो पहले देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब दोस्तों इस पंप को मूव करवाने के लिए हम एक प्राइम मूवर लगा देते हैं जो कि एक मोटर है, और इसके बाद हमने इसके ऊपर एक एरो लगाई है जो कि हमारी इसकी रोटेशन को दिखाता है। अब हमारे रिजर्वायर के कंटेमिनेशन को ऊपर जाने से रोकने के लिए हम एक सक्शन स्ट्रेनर लगाएंगे। सक्शन स्ट्रेनर अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि 149 माइक्रोन, 125 माइक्रोन, और इनकी माउंटिंग और माइक्रोन रेटिंग के आधार पर हम इन्हें सिलेक्ट करते हैं। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमें एक डायरेक्शनल कंट्रोल वाल और इनकी पाइपलाइन की ज़रूरत है। तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल हमारी कई तरह की होती है। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल में जब मैं ये स्केयर लगाता हूँ, 1, 2 और 3, ये तीन अगर मैंने स्केयर लगा दिए तो यह हमारी 3 पोजिशंस को दिखाती है। ये जितने स्केयर्स हो गए हमारे, यह हमारे पोजिशंस को दिखाते हैं। अब दोस्तों ये जो सिंबल हमने दिखाए हैं, यह स्प्रिंग जैसे दिख रहे हैं और ये स्प्रिंग के लिए ही है। यह हमारे स्प्रिंग सेंटर्ड दिखाते हैं कि हमारा वाल हमारा स्प्रिंग सेंटर्ड है। उसके बाद दोस्तों इसके ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा एक हैंडल टाइप का दिख रहा है। यह हमारे मैनुअल ऑपरेशन के लिए और हैंड टाइप हैंडल से ऑपरेट होगा। इसमें दोस्तों पैडल ऑपरेशन भी आते हैं। इसके अलावा स्पूल के ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो कैम ऑपरेटेड, सोलेनोइड ऑपरेटेड, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, यह एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों इसकी आती है पोजीशंस की बात। यह हमारी फर्स्ट और यह हमारी सेकंड, यह हमारी थर्ड पोजीशन है। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल हमारे डिफरेंट टाइप के सेंटर्स में आते हैं। यह हमारा ऑल पोर्ट क्लोज सेंटर है। इसके अलावा ओपन सेंटर, फ्लोट सेंटर और टैंडम सेंटर भी आते हैं। तो दोस्तों उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अब अगर हम इसे लॉजिकली समझें तो जब हमारा सिलेंडर का स्टॉक पूरा हो जाएगा उस पोजीशन पर हमारा यहाँ पर कुछ बैक प्रेशर जनरेट होगा।
तो इस बैक प्रेशर को पंप पर हिट करने से बचाने के लिए हमें एक चेक वाल्व की सहायता की जरूरत है। तो हम यहाँ पर एक चेक वाल्व लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा लाइन का कंटेमिनेशन रिजर्वायर में वापस जाने से रोकने के लिए हम यहाँ पर एक फिल्टर लगा देते हैं, जिसे हम रिटर्न लाइन फिल्टर भी बोल सकते हैं। अब हमें इस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए एक रिलीफ वाल्व की आवश्यकता है, जो कि हमारी इस सिस्टम को कंट्रोल्ड प्रेशर पर चलाएगी। रिलीफ वाल्व में कुछ बेसिक्स आपके क्लियर कर देता हूँ। यह एरो हमारी फ्लूड के फ्लो को दिखाती है। उसके अलावा यह हमारी डॉटेड लाइन पायलट लाइन है। अगर यह डॉटेड लाइन हमारी रिलीफ वाल्व के अंदर से आ रही है तो यह हमारी इंटरनल पायलट लाइन है, और अगर यह लाइन हमारी सीधा इस लाइन से जुड़ रही है तो यह हमारी एक्सटर्नल पायलट लाइन को डिनोट करती है। उसके अलावा दोस्तों यह हमारा स्प्रिंग का सिंबल है, और ये जो एरो दिख रही है हमारी वेरिएबल का सिंबल है, यानी कि इसमें हमारी एडजस्टमेंट है। अब दोस्तों रिलीफ वाल्व के बाद हमें आवश्यकता है यहाँ पर प्रेशर को देखने की, कि हमारा प्रेशर सिस्टम में क्या चल रहा है। तो इसके लिए हमने एक प्रेशर गेज लगा दिया। प्रेशर गेज के बाद दोस्तों हमारे सिस्टम को, हमारे प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए हमें एक एक्यूमुलेटर की ज़रूरत है। एक्यूमुलेटर हमारे कई तरह के होते हैं। एक्यूमुलेटर में आप इस सिंबल को देख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक ब्लैंक ट्रायंगल लगाया है, जो कि हमारा न्यूमेटिक को, यानी कि हवा के दबाव को दिखाता है। यह हमारा ब्लैडर टाइप का एक्यूमुलेटर है। अब हमारा सिस्टम रेडी है। अब हम इसे ऑपरेट कर देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने फर्स्ट पोजीशन को ऑपरेट किया, उस पोजीशन पर इसने हमारे सिलेंडर को धकेल दिया। मगर कुछ कंडीशंस हमारी ऐसी आएगी कि जहां पर हमें इस एक्चुएटर की स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहां पर एक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगाएंगे, जो कि हमारी फ्लो को कंट्रोल करेगी। अब दोस्तों इस फ्लो कंट्रोल वाल्व से हमारा दोनों डायरेक्शन में सिलेंडर की स्पीड कंट्रोल होगी। इसको एडवांस बनाने के लिए हम एक यहाँ पर चेक वाल लगा देंगे, जो कि हमारा फ्लो को एक दिशा में कंट्रोल करेगा और एक डायरेक्शन में हमारा फ्री फ्लो रहेगा। तो दोस्तों अब हमारा सिस्टम कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।